का वो खास मौका है जब भारतीय सेना की विमान से लैंडिंग से उस ऐतिहासिक पल को एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश, और राजनाथ सिंह वहां पर उस प्रदर्शनी में उन सब तमाम पहलुओं को, उन हालात को समझने और देखने की कोशिश करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कुछ ही देर में यहाँ पर अद्भुत बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेरे से सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएं तो ये यहाँ पर वो तमाम सीन जो है रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जो उस दिन यहाँ पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना की पहली टुकड़ी की लैंडिंग के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड किया गया और किस तरह कबालियों को भारतीय सेना ने घाटी से वापस खदेड़ा। इस तरफ ये उड़ी का वही पुल उसी तरह बनाया गया है जहाँ से कबाली जो है कश्मीर के बारामूला ज़िले तक पहुँचे थे और उसके बाद श्रीनगर एयरबेस तक पहुँचने का उनका प्रयास था, लेकिन उन तमाम प्रयासों को भारतीय सेना ने जो है विफल कर दिया। और इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बडगाम लैंडिंग पर यहाँ पर तमाम वो दृश्य और उनकी तैयारियां की गई हैं जो उस समय कश्मीर घाटी में भारतीय सेना के ऑपरेशन में बहुत अहम थे और खास तौर पर कबाड़ियों को वापस खदेड़ने में। तो उसके चलते यहाँ पर जो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आकर्षण का जो केंद्र रहेगा पूरे प्रोग्राम को अगर हम देखें समझे तो बडगाम लैंडिंग का रिक्रिएशन होगा। कैसी तैयारियां है उसकी, कैसे 75 साल पहले का वो इतिहास एक बार फिर से लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल इसी तैयारी की मैं बात कर रहा था और देश को यहाँ टेलीविजन की तस्वीरों से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो जगह है बडगाम लैंडिंग की, वो एयरबेस है जहाँ पर भारतीय सेना पहली बार लैंड की थी घाटी में और उसके बाद जो है कबाडियों के लिए खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। और तैयारियों के चलते आप देख सकते हैं इस तरफ उड़ी का वही पुल बनाया गया है जहाँ से कबाली घाटी में एंट्री कर चुके थे और उस तरफ यहाँ बडगाम के इलाके में क्या उस समय यहाँ की स्थिति थी उस पूरी तस्वीर को सामने दर्शाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ बड़े डिस्प्ले पर यहाँ पर पूरी कहानी जो है यहाँ दर्शकों के बीच रखी जा रही है। और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जिसे मकबूल शिरवानी के नाम से जानते हैं उनके बलिदान को लगातार बार बार जिक्र किया जा रहा है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ऐतिहासिक के वो पन्ने यहाँ पर एक बार फिर से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के हवाले से और देश के हवाले से था। इस तरफ कैमरा पर्सन मेरे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कबालियों के साथ उस समय यहाँ पर वार्तालाप और बातचीत यहाँ जम्मू कश्मीर का जो आपको रोकना चाहेंगे किस तरह से कबालियों से और जो लगातार उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, इसको रोका गया था सिख रेजिमेंट की तरफ से, ये आप देखिए उसका नाटक के जरिए मंचन किया जा रहा है। लेकिन अब सब कबीलों के बगैर ये मंसूबा नामुमकिन है। अगर कश्मीर आपका हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा? फायदा सिर्फ आपका ही होगा। कैसे ब्रदर? पाकिस्तानी हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का आप सभी को मौका दिया जाए। हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? अपनी फौज को क्यों नहीं भेजते? हम खुलेआम हमला नहीं कर सकते, हमारी पाकिस्तानी फौज भी आपके साथ ही होगी पर सादे निवास में। हर एक कबायली लश्कर टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी फौज का एक मेजर, एक कैप्टन और कुछ जीसीओ होंगे। सभी हकूक आपको दिए जाएंगे, जैसे भी चाहे जंग करें, फतह भी आपकी दौलत भी आपकी, बस कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर फौज की हिफाजत में है। तिरंगी तो जा रहा है और राजा की अपनी छोटी सी फौज है, हमसे उनका कोई मुकाबला नहीं। बात तो तुम्हारा ठीक लगती है। तो फिर सोचना क्या, आंखें बंद करके देखो कश्मीरियों के कानों के झुमकों की लटक की छा।
तो देखिए 1947 की 27 अक्टूबर 1947 की ये शौर्य गाथा डकोटा विमान के जरिए सिख रेजिमेंट के जवान उतरे थे और इसके बाद पाकिस्तानी सेना और कबायलियों का मुकाबला करके उनको खदेड़ा गया था। ये तस्वीरें भी उस दौरान के हम दिखा रहे हैं। सिवाज सर, ये तस्वीरें कितनी खास है और ऐसे वक्त में जब हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का और साथ ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है, उसको भी ये जो इन्फेंट्री दिवस के जरिए वहां पर जनरल मनोज पांडे मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है राजनाथ सिंह, ये कितनी बड़ी मैसेजिंग है। इस सबसे पहले तो सारे देशवासियों को इस गौरव दिवस की शुभकामनाएं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। Thank you.